क्या हाल है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज में। और मैं ऋषि आप सभी के लिए इस बार टेली आरपी 9 का लेसन 11 लाया हूँ। और ये 11 लेसन का फर्स्ट वीडियो होगा, यानी इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके दो पार्ट होंगे कुल मिलाकर, जिसके फर्स्ट पार्ट में आज मैं आप लोगों को इन्वेंट्री वाउचर्स, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं इन्वेंट्री वाउचर्स में काम करना सीख रहे हैं, इन्वेंट्री इन्फो सीख रहे हैं, तो इसके जरिए मैं आपको आज स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज करना बताऊंगा। साथ ही साथ अलग अलग परचेज सेल की एंट्रीज को एलोकेट करने के लिए गोडाउंस क्रिएट करना, उन्हें डिलीट करना या गोडाउंस का यूज करना बताऊंगा। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि क्या होता है आपका, सबसे पहले तो कि गोडाउंस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और स्टॉक जर्नल वाउचर क्या होता है। इससे पहले वाली क्लासों में आप लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम आइटम बनाते हैं, कैसे हम स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं, उनके ग्रुप बनाते हैं और उनके फायदे क्या है। इसी तरीके से गोडाउन या लोकेशन बनाने से हमारे क्या फायदे हो सकते हैं या उन कौन सी जरूरतें पूरी हो सकती है, इसे समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, नॉर्मली आमतौर में जब भी हम कोई सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो हम अगर हमारा बड़ा बिजनेस है, अगर हमारे एक से ज्यादा ब्रांच है या एक से ज्यादा जगहों पे चलता है हमारा बिजनेस और प्रोडक्शन का बिजनेस है, तो कौन से जगह से कितना कितना माल बेचा जा रहा है या कितना कितना माल खरीदा जा रहा है, इस चीज की जानकारी रखने के लिए हमें गोडाउन मेंटेन करने होते हैं, गोडाउन बनाने होते हैं, उनके खाते बनाने होते हैं और क्या आया क्या गया इस चीज को समझना होता है। गोडाउन और लोकेशन आर प्लेसेस वेयर स्टॉक आइटम आर स्टोर्ड, यानी कि ये वो जगह होती है जहां पर हम स्टॉक आइटम को स्टोर करते हैं। और स्टॉक आइटम कैसा भी हो सकता है, कोई भी कंपनी कैसा भी काम कर सकती है। हो सकता है किसी कंपनी के लिए एक स्टॉक आइटम एक छोटी सी कैंडी हो, और हो सकता है किसी कंपनी के लिए एक स्टॉक आइटम एक बुलडोजर हो। कुछ भी हो सकता है, उसका स्टॉक कुछ भी हो सकता है और उसको रखने की जगह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है एक बुक छापने वाला अपनी बुकों को शेल्फ में रखता हो, अलग अलग शेल्फ बना रखे हो या अलग अलग छोटे छोटे यूनिट बना रखे हो, तो उसके लिए यूनिट का हिसाब रखने के लिए उसके लिए वही गोडाउन है। और मान लीजिए अगर कोई आदमी बाइक बनाता है, उसका प्रोडक्शन बाइक करने का है, तो फिर उसके जो गोडाउन होंगे वो छोटे छोटे नहीं होंगे, बड़े बड़े होंगे, जैसे कि शोरूम नंबर 1, शोरूम नंबर 2 या ऐसे इस तरह से बनाए जाएंगे। तो बिजनेस छोटा हो या बड़ा, स्टॉक आइटम को लोकेट करने के लिए कि किस जगह कौन सा आइटम है, हम गोडाउंस बनाते हैं। यू कैन स्पेसिफाई नेम्स वेयर स्टॉक आइटम आर स्टोर्ड, सच एज वेयर हाउस, शेल्फ एंड सो ऑन। जो मैंने बताया कि किसी तरीके का गोडाउन, किसी तरीके का शेल्फ, किसी तरीके का, मान लीजिए आपके पास एक ही अलमारी है और उस अलमारी में भी बहुत सारे अलग अलग शेल्फ है और खास तरह के शेल्फ में आपने खास तरह की चीजें रखी है, तो आप उन शेल्फ नंबर के हिसाब से भी गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। इन अ बिजनेस इट इज ऑलवेज बिकम नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टॉक हेल्ड ऑन साइट एंड इन द वेयर हाउस। नॉर्मली बिजनेस जब हम हैंडल कर रहे होते हैं तो ये जरूरी होता है कि हमें मालूम हो कि बिजनेस के बाहर कौन सा सामान गया हुआ है और अभी बिजनेस के अंदर कौन सा सामान इस्तेमाल हो रहा है, और अगर हो रहा है या बाहर है तो किस जगह पे है। यू कैन डू दिस बाय क्रिएटिंग टू सेपरेट गोडाउन्स, टेली हेड अ डिफॉल्ट गोडाउन नेम मेन लोकेशन। यानी कि अभी तक जो हम एंट्रियां करते थे उसमें तो हम बताते नहीं थे कि भाई माल खरीदा तो कौन से गोडाउन में डाला, या अगर बेच रहा हूं तो कौन से गोडाउन में डाल रहा हूं। तो असल में आप भले ही ऐसा यूज ना करते हो, पर ऐसा होता था कि अपने आप ही टेली आपके आइटम को एलोकेट कर देता था एक गोडाउन में। डिफॉल्ट गोडाउन होता है वो, जिसे हम कहते हैं मेन गोडाउन, मेन लोकेशन। यू मे इवन ऑल्टर टेली डिफॉल्ट गोडाउन, आप चाहें तो टेली के डिफॉल्ट गोडाउन को चेंज करके कोई दूसरा नाम देना चाहे या कुछ और डालना चाहे तो दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्टर किया जा सकता है। जैसे वैसे तो टेली में बहुत सारी डिफॉल्ट चीजें होती हैं जिसे हम ऑल्टर नहीं कर सकते, पर ये एक ऐसी डिफॉल्ट चीज होती है जिसे हम ऑल्टर कर सकते हैं। टेली परमिट्स क्रिएटिंग एनी नंबर ऑफ गोडाउन, यानी आपको जितनी जरूरत हो आप उतने गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। विच यू कैन ग्रुप एंड सब ग्रुप टू मैच द स्ट्रक्चर यू नीड, और आप चाहें तो ग्रुप और अनग्रुप करके या एक के अंदर दूसरा ग्रुप बना के भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, पूरे दिल्ली में चलता है, और दिल्ली में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलता है। मान लीजिए आपका आनंद विहार का जोन अलग हो गया, या आपका कीर्ति नगर का जोन अलग हो गया, और कोई दूसरा जोन अलग हो गया,
और उन जोन के अंदर भी बहुत सारे आपके सेंटर है जहां पर आप माल रखते हैं। तो दिल्ली आपका एक गोडाउन हो जाएगा, फिर दिल्ली एक मेन गोडाउन होएगा और उसके अंदर अलग अलग छोटे गोडाउन बनाए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो चीज हो जाती है, ये हो जाती है गोडाउन और उसके अंदर सब गोडाउन बनाने वाला काम। गोडाउन्स का यूज करना तो हम इस लेसन में देखेंगे ही, साथ ही साथ देखेंगे स्टॉक जर्नल वाउचर। तो ये वाउचर क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, जरा इसे समझते हैं। स्टॉक जर्नल वाउचर एक खास तरह का वाउचर होता है जिसके अंदर स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्रियां की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप अपना कोई माल एक गोडाउन में रखते हैं, गोडाउन ए में, और अब आप चाहते हैं कि उस गोडाउन का आधा माल या पूरा ही माल गोडाउन बी में भेजना है या गोडाउन सी में भेजना है, तो आप अपना ही माल एक जगह से निकालकर दूसरी जगह अपने आप को ही बेच रहे हैं इस तरह, या बेच रहे हैं या भेज रहे हैं। तो इस तरह के काम के लिए हमें स्टॉक ट्रांसफर का काम हो जाता है ये, तो स्टॉक जर्नल वाउचर की जरूरत पड़ती है। और जब मैं इसे करके बताऊंगा तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। दिस इज यूजफुल टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन और गो डाउन टू अनदर। यूज ऑल्ट F7 की एंड सेलेक्ट स्टॉक जर्नल वाउचर टू ओपन स्टॉक जर्नल वाउचर। यानी कि अगर आपको स्टॉक जर्नल वाउचर खोलना है एंट्री के लिए, तो ऑल्ट प्लस F7 का यूज करना होता है। और इससे पहले, क्योंकि मैं आज की क्लास में ट्रांजेक्शन नहीं कराने वाला, आज की क्लास में ये ट्रांजेक्शन शुरू करने से पहले हमें बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेगी, तो वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ से शुरू होता है, मतलब काम हमारा बिजनेस का यहाँ से शुरू हो रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर क्रिएटिंग द कंपनी मेक फॉलोइंग इन्वेंट्रीज इन टेली ERP 9 अकॉर्डिंग टू गिवन डिटेल। यानी जो जो कहा गया है वो सारा आपको पहले बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ स्टॉक ग्रुप नेम इलेक्ट्रॉनिक अंडर प्राइमरी। यानी हमें स्टॉक ग्रुप से शुरुआत करनी है, स्टॉक ग्रुप बनाने हैं। तो फिलहाल मैं टेली ऑन कर लेता हूँ और ये मैं आपको एक नई कंपनी में नए सिरे से बनाकर दिखाऊंगा, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से बिगिनिंग से क्लियर हो। तो इसके लिए ये मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ, नाम मैं इसको दे देता हूँ टेम्प नाम से। मैंने ये कंपनी क्रिएट कर ली सिंपल, इंडिया में दिल्ली के अंदर। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है आपको पता ही है मैंने क्या डालनी है, 1/4/2016, इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और सबसे पहले जो उसने कहा है कि आपको एक स्टॉक ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में आए, ये रहा स्टॉक ग्रुप और ये मैंने क्रिएट किया। नाम इसने कहा है इलेक्ट्रॉनिक देने के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मैंने दे दिया। अंडर इसने कहा प्राइमरी रखने के लिए, तो वो भी मैंने डाल दिया। इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद जो कह रहा है, एंड देन क्रिएट सब स्टॉक ग्रुप, यानी सब स्टॉक ग्रुप, यानी कि जो आपने माल बनाया ग्रुप बनाया इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंडर में ये तीन ग्रुप आपको बनाने हैं। और एक बार में क्योंकि तीन ग्रुप बनाने हैं, तो जल्दी से करने के लिए हम मल्टीपल ग्रुप क्रिएशन वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, ये वाला, और यहाँ आके क्रिएट कर सकते हैं। इसने बोला है कि आपको बनाना है सैमसंग, ओनिडा और फ्लिप्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि मैं यहाँ पर अंडर में डालूंगा इलेक्ट्रॉनिक, और क्योंकि यहाँ पर बोला गया है सैमसंग का, तो मैंने सैमसंग डाल दिया, अंडर इलेक्ट्रॉनिक अपने आप आ जाएगा। ओनिडा बोला है तो ओनिडा डाल दूंगा, और फिलिप्स बोला है तो फिलिप्स डाल दूंगा, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। तीनों ग्रुप बन गए। इसके बाद देखिए अगला काम क्या कह रहा है, आफ्टर दिस क्रिएट फॉलोइंग स्टॉक कैटेगरी। यानी आपको ये तीन कैटेगरी बनानी है और अंडर प्राइमरी, यानी प्राइमरी के अंडर में ही बनाना है। एक बार में तीन कैटेगरी है, या हाँ तीन है, LCD है, एयर कंडीशनर है और है वॉशिंग मशीन। तो ये कैटेगरी बनाने के लिए हम आएंगे यहाँ पर, और इन्वेंट्री इन्फो में देखिए तो कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है, इसे चालू करना पड़ता है। F11 करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में आएंगे, और ये रहा ऑप्शन कैटेगरी का। और क्योंकि हम गोडाउन्स भी यूज करने वाले हैं, तो ये मेंटेन मल्टीपल लोकेशन वाला ऑप्शन चालू कर दे और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा, और क्योंकि मुझे ज्यादा कैटेगरी क्रिएट करनी है तो मैं इसमें आ गया। अंडर कैटेगरी आपको ऑल आइटम ही रखना है, और इसमें पूछने पर हम बता देंगे कि भाई कौन सी कैटेगरी है या क्या है। सबसे पहले तो इसने बोला है LCD बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर LCD बना देंगे, अंडर प्राइमरी आएगा। फिर इसने बोला था एयर कंडीशनर बनाने के लिए, तो कंडीशनर हम बना देंगे, और यहाँ प्राइमरी ही रखना है। और उसके बाद इसने बोला था वॉशिंग मशीन बनाने के लिए, तो वो भी हमने यहाँ पर
बना लिया और इसे आप अंडर प्राइमरी ही रखेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे, ये आपका फिलहाल इतना काम तो हो गया। इसके बाद कहता है देन क्रिएट फॉलोइंग सब कैटेगरी, यानी ये सारी सब कैटेगरी बनानी है आपको और जहां जहां जिसके अंडर में बोला है वैसे वैसे बनाना है। यानी 21 इंच का बनाना है अंडर LCD कैटेगरी के, 32 इंच का बनाना है, 41 इंच का बनाना है, अंडर कैटेगरी यहाँ आएगी और जो कैटेगरी के नाम देने हैं वो यहाँ। यानी कुल मिलाकर 6 कैटेगरी आपको बनानी है, तो स्टॉक कैटेगरी में मल्टीपल वाले में क्रिएट कर रहा हूँ। ऑल आइटम चुनेंगे आप पहले यहाँ पर, और सबसे पहले इसने बोला है 21 इंच अंडर, ये मैंने डाल दिया 21 इंच, और इसको आपने डालना है LCD के अंडर में। फिर इसने बोला 32 इंच, तो 32 इंच डाल देंगे LCD के अंडर में ही, और 41 इंच, तो 41 इंच भी डाल देंगे LCD के अंडर में ही। इसके बाद इसने मुझे बोला स्प्लिट AC और विंडो AC, ये दो कैटेगरी है जो एयर कंडीशनर के अंदर आपको बनानी है। तो मैंने बना दिया स्प्लिट AC और इसको मैंने डाल दिया क्योंकि ये एयर कंडीशनर ही होते हैं दोनों, और विंडो AC, तो इसको भी मैं डाल देता हूँ विंडो AC, और इसको मैंने डाल दिया एयर कंडीशनर के अंडर में। इसके बाद ये वॉशिंग मशीन के लिए कहता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो वो हमें बनाना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और इसको मैंने डाल दिया वॉशिंग मशीन के अंदर, स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है, वॉशिंग मशीन, और ये आपका ऑटोमेटिक है तो इसे भी हमने वॉशिंग मशीन के अंडर में डाल दिया है। इसको मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ से, अभी इसको हम बना देते हैं, ऑल्टर में आके यहाँ से चेंज हो जाएगा। और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पर इतना काम करने के बाद, ये सारा बनाने के बाद, ये कहता है क्रिएट मेन गोडाउन। अब यहाँ पर ये आपको एक गोडाउन बनाने के लिए कह रहा है, और वो भी एक नहीं कई गोडाउन बनाने हैं, दिल्ली, UP और हरियाणा, और इन तीनों को अंडर रखना है प्राइमरी में ही। तो जिस तरीके से अभी आपने ग्रुप बनाए, जिस तरह से आपने अभी कैटेगरी बनाई, ग्रुप और कैटेगरी क्या होते हैं, इनको मैंने क्यों बनाया है, ये मैं इससे पहले वाले लेसन में आपको समझा चुका हूँ। तो वो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, फिर आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें। लोकेशन या गोडाउन अब वैसे ही बनाना है जैसे आप बनाते थे ग्रुप या कैटेगरी या आइटम। इसमें भी क्रिएट, ऑल्टर वगैरह इन सब के ऑप्शन ही होते हैं, और क्योंकि मुझे एक बार में एक से ज्यादा गोडाउन बनाने हैं तो मैं मल्टीपल वाले में क्रिएट में आ गया। यहाँ मैंने ऑल आइटम चुना है, वैसे अगर आप देखें तो एक गोडाउन पहले से ही बना हुआ है, वो है मेन लोकेशन, पर मैं ऑल आइटम लेकर अपने हिसाब के गोडाउन बनाना चाहता हूँ। और सबसे पहले बनाना है दिल्ली, UP और हरियाणा, तो यहाँ मैंने डाला दिल्ली, और इसको हम डाल देते हैं प्राइमरी में क्योंकि प्राइमरी बोला गया है, UP प्राइमरी और हरियाणा, तो इसे भी आपने प्राइमरी में डाल देना है और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद ये कुछ और गोडाउन बनाने के लिए कहता है एंड देन मेक सब गोडाउन अंडर फॉलोइंग मेन गोडाउन, यानी इन मेन गोडाउन के अंडर में ये सारे आपको बनाने हैं, जैसे कानपुर आ गया यूपी में, लखनऊ, बनारस, सब यूपी में, फिर बाद में दिल्ली में, तो मल्टीपल है क्रिएट में आएंगे और ऑल लेना है। पहले मैंने डाला कानपुर और इसको मैंने डाल दिया यूपी में, फिर लखनऊ था तो लखनऊ आपको डालना है और इसे भी आपने यूपी में डाल देना है, और इसके बाद एक और था बनारस, तो बनारस को भी आपने डाल देना है लखनऊ में, और ये आपका लखनऊ कह रहा हूँ यूपी में, और फिर इसके बाद कीर्ति नगर और आनंद विहार दोनों दिल्ली में आएंगे। तो कीर्ति नगर ये सारी वो जगह है जहां पर मेरा बिजनेस काम करता है, तो उसके लिए मुझे ये सारे गोडाउन बनाने पड़ेंगे और वो मैं बना देता हूँ आनंद विहार, इसको भी मैंने दिल्ली में डाल दिया। इसके बाद अब मेरे बच गए हरियाणा के, तो हिसार और गुड़गांव जो है दो जगह है और वो मैं हरियाणा में डालूंगा, हिसार और इसको भी मैंने हरियाणा में डाल दिया। तो कुल मिलाकर ये इतने सारे गोडाउन आपके बन गए हैं और इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर अब मैंने जैसे कि दिल्ली में कीर्ति नगर और आनंद विहार का गोडाउन बनाया है दिल्ली के अंडर में, तो अगर मैं कोई आइटम खरीद के आनंद विहार में डालता हूँ तो आनंद विहार में भी मान लीजिए मैंने 10 पीस खरीद के डाले तो आनंद विहार में 10 पीस दिखाएगा, और अगर मान लीजिए मैं दिल्ली का भी देखूंगा तो भी वो मुझे वहां पर 10 पीस दिखाएगा क्योंकि असल में आनंद विहार दिल्ली के अंडर में ही है। तो इस तरह के कामकाज को अगर हमें देखना हो कि भाई पता लगाना हो कि भाई टोटल दिल्ली में कितना है,
एक एक गोडाउन खोलकर नहीं देखना, सीधे दिल्ली का मैं चेक कर सकूं, तो ये चीज भी हो जाती है। और अगर मैं दिल्ली के अंदर के सारे खोल खोल के देखना चाहूँ तो उसके लिए तो मैंने अंडर सब गोडाउन बनाए ही हैं, तो वो चीज़ ये यहाँ पर करके बताता है। और फिर इसके बाद आपको करने हैं ये सारे काम। आफ्टर दिस मेक फॉलोइंग स्टॉक आइटम अंडर फॉलोइंग कैटेगरी एंड फॉलोइंग ग्रुप एज वेल एज गिवन बिलो। कहने का मतलब यह है कि ये सारे स्टॉक आइटम है और जिस जिस ग्रुप में जिस जिस कैटेगरी में डाले गए हैं वही डालते हुए आपको ये स्टॉक आइटम बनाने हैं। तो शुरू करते हैं, और कुल मिलाकर 14 स्टॉक आइटम है। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आपको पहले तो यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैं पीसीज ही बनाता हूँ, आप भी पीसीज बना लें। और उसके बाद आपको सीधे क्रिएट करना है स्टॉक आइटम, और उसमें भी मल्टीपल्स क्रिएट करते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, ऑल आइटम चुन लेंगे। सबसे पहला नाम है सैमसंग LCD 21 इंच। तो यहाँ मैंने डाला सैमसंग LCD 21 इंच, और इसको अंडर किस में डालना है, तो यहाँ पर ये बोला है सैमसंग में, तो हम सैमसंग में डाल देंगे। फिर ये पूछता है कैटेगरी, तो कैटेगरी 21 इंच में डालना है, जैसा कि उसमें दिया हुआ है, पीस में डालना है, ओपनिंग क्वांटिटी कुछ नहीं है। दूसरा, ओनिडा LCD 21 इंच, तो ओनिडा LCD 21 इंच ये मैंने डाला यहाँ पर, अंडर ही आएगा ओनिडा में, और 21 इंच के अंडर में आएगा, पीस में आएगा। इसके बाद ये कहता है फिलिप्स LCD 21 इंच, तो फिलिप्स का भी LCD है जो हम बेचते हैं, LCD 21 इंच, तो इसको मैंने डाल दिया फिलिप्स में। कैटेगरी हो गई 21 इंच, क्योंकि ये तीनों आइटम भले ही अलग अलग कंपनी के हैं पर है एक ही कैटेगरी के, वो है 21 इंच। और 21 इंच कैटेगरी जो है एक सब कैटेगरी है अंडर LCD कैटेगरी के। तो ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, अगर आप इसको पेपर वर्क करके देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद है सैमसंग LCD 32 इंच, तो सैमसंग LCD आपको डालना पड़ेगा 32 इंच, और इसको आपने डालना सैमसंग में ही है, और 32 इंच के अंडर में लेंगे, यहाँ आपको पीसीज लेना है। उसके बाद ये पांचवा आइटम कहता है ओनिडा LCD 41 इंच और फिलिप्स LCD 41 इंच, ये दोनों आपको बनाने हैं। तो ओनिडा LCD 41 इंच ओनिडा में आएगा ये, और 41 में आएगा, तो वो चुन लेंगे आप। फिर इसने कहा फिलिप्स का, तो फिलिप्स का आपको बनाना पड़ेगा, फिलिप्स ये सारे मैं आइटम बना रहा हूँ, 41 इंच, और इसको मैंने कर दिया फिलिप्स में, 41 इंच के अंडर पीसीज में चुन लेना है। अगला आइटम देखिए क्या है, सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और ये आपका आएगा ग्रुप में तो सैमसंग का होगा, और कैटेगरी होगी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वाली, तो वो आपको नाम देना है यहाँ पर सैमसंग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग, शॉर्ट में कुछ भी आप नाम देना चाहें दे दीजिए। और इसको मैंने डाला सैमसंग में, और अंडर क्या कैटेगरी होगी, तो इसकी कैटेगरी होगी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, पीसीज में ले लिया। इसके बाद सैमसंग का करने के बाद ये कहता है फिलिप्स ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो फिलिप्स का आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा ऑटोमेटिक वॉशिंग, ये चाहिए नहीं, वॉशिंग मशीन ऑटो, और ये आएगा फिलिप्स के अंडर में, क्योंकि इसका जो ग्रुप है वो फिलिप्स कंपनी का है और ऑटोमेटिक है ये, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पीसीज में डाल दिया मैंने। इसके बाद ओनिडा स्प्लिट एयर कंडीशनर, ओनिडा स्प्लिट एयर कंडीशनर है आपका, ओनिडा स्प्लिट एसी है, और ओनिडा में आएगा, तो ओनिडा चुन लेंगे, स्प्लिट में आएगा, स्प्लिट चुन लेंगे, स्प्लिट एसी पीसीज में चुन लेंगे। इसके बाद ओनिडा विंडो एसी, तो ओनिडा का विंडो एसी हमें क्रिएट करना है, ये सारे वो चीजें हैं जिसका मैं बिजनेस करता हूँ, विंडो एसी, और ओनिडा में ही आना है इसको, और विंडो में आना है तो विंडो का चुन लेंगे हम, और पीसीज में चुन लेंगे। और इसे आप अगला देखिए, तो इसका है सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, सैमसंग सेमी ऑटोमेटिक भी हम ऊपर बना चुके हैं, वॉशिंग और इसको सैमसंग में डाल दिया, और इसको मैंने डाल दिया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पीसीज में। देन इसके बाद अगला जो आपको क्रिएट करना है वो है आपका
सैमसंग स्प्लिट एसी, सैमसंग का स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी सैमसंग में आएगा, स्प्लिट में आएगा और पीसीज में डाल दिया मैंने इसे। और सेकंड लास्ट जो है फिलिप्स ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फिलिप्स ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, फिलिप्स ऑटोमेटिक वॉशिंग, और इसको मैंने फिलिप्स में डाल दिया। और वॉशिंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इसको मैं पीसीज में डाल देता हूँ। लास्ट आइटम जो है हमारा वो है फिलिप्स विंडो एसी, तो वो हमें बनाना है यहाँ पर। हालांकि नाम से ही पता चल जाता है कि कौन सा किस ग्रुप और किस कैटेगरी का है, विंडो एसी, तो इसको क्योंकि हमें फिलिप्स कंपनी का है तो फिलिप्स में डालना पड़ेगा, और विंडो एसी है तो विंडो एसी को हम विंडो एसी में ही डालेंगे। ये सारी कैटेगरी हो गई और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। स्टॉक आइटम फिलिप्स ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, बता रहा है फिलिप्स ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दो बार है। ओके, यहाँ पर फिलिप्स सेमी ऑटोमेटिक है, एक हमारा फिलिप्स ऑटोमेटिक है और एक फिलिप्स सेमी ऑटोमेटिक है, तो हम यहाँ पर सेमी भी कर देते हैं, ऑटो और इसे आप एक्सेप्ट कराइए। ये हो गया। तो कुल मिलाकर अगर आप डिस्प्ले करें स्टॉक आइटम, तो कुल मिलाकर इतने सारे अलग अलग स्टॉक आइटम है आपके, और इन सब के साथ अभी जो है हम लोगों को एंट्रियां शुरू करनी है। हालांकि ये एंट्रियां मैं इसके अगले वाले वीडियो में शुरू कराऊंगा, फिलहाल एंट्रियों को शुरू करने से पहले आपके पास ये सारी चीजें बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं को मैं एंट्रियों में यूज करूंगा और इन्हीं के साथ एंट्रियां करके दिखाऊंगा। एक चीज और कि इस वीडियो में आप यहाँ पर अच्छे से ये समझ जाएंगे कि कैसे हम कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखते हैं, कैसे हम ग्रुप वाइज रिपोर्ट देखते हैं, गोडाउन वाइज रिपोर्ट देखते हैं, स्टॉक क्वेरी, स्टॉक समरी, इसके अंदर सारा है। तो इसके लिए कि आप वो ट्रांजेक्शन पहले करें, आपको ये सब चीजें खुद बनाने आनी चाहिए। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये अगले वीडियो तक बनाकर रेडी करें और उसके बाद ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के नए वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों को मिलूंगा। फिलहाल इस वीडियो को